दोस्तों, आज तक आपने कितने लोगों को देखा है कि वो अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं? ऐसे कितने लोगों को देखा है जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं? ऐसे कितने लोगों को देखा है जो अपने पैशन को फॉलो करके एक सक्सेस को प्राप्त करते हैं? महज कुछ एक लोगों को। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि किसी ड्रीम को पाने के लिए उसके पीछे आपके पैशन को जागृत रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इस छोटी सी और बहुत प्यारी सी स्टोरी के बारे में आपको बताता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर भी करेगी और शेयर करने को भी आपको उतारू कर देगी। तो ये स्टोरी है दोस्तों भूरा देवी की, यानी कि भूरा बाई, जो कि डेली वेजेस में काम करती थी, रोज कंस्ट्रक्शन साइट में जाती थी, 6 रुपए के रोज उनको पगार मिल जाती थी, उससे उनका गुजारा वो चला। हालांकि दिन इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, वो चला लेते थे, पर उनको एक पैशन था, उनका एक आर्ट का उनका एक लगाव था, उस आर्ट को वो इस काम के साथ साथ कभी नहीं। वो क्या करती थी, नेचुरल पेंटिंग और मिट्टी से वो अपनी दीवार, जो मिट्टी के दीवार होते हैं ना, उनमें कलर करती थी, कहीं भी मिल जाता वहां कलर पेंटिंग करती थी। वो पेंटिंग का नाम क्या था, उस आर्ट का नाम क्या था, पिथोर। ये जब तक अपने आप को आर्टिस्ट समझ न पाई या इनको आर्टिस्ट का एक रिकॉग्नाइजेशन तब तक नहीं मिला जब तक जगदीश स्वामीनाथन ने इनको देखा। तो जगदीश स्वामीनाथन ने भूरा देवी की इस पेंटिंग को पूरी दुनिया में विख्यात किया। ऐसा हुआ कि उन्हें कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। उनकी पेंटिंग साउथ बीज में ऑक्शन हुई। अपने पैशन को फॉलो किया और पैशन ने उनको रास्ता दिखाया और रास्ता उनको मंदिर तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, जब तक आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तब तक आपके पास हरदम आस है, कहीं ना कहीं मंजिल आपकी तलाश जरूर करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये स्टोरी आपको जरूर इंस्पायर की होगी। अगर आपको इंस्पायर करती है तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक मुझे आगे दीजिए नई स्टोरी, नई वीडियो।